सोहराव राष्ट्रीय पासी समाज संघ के तत्वाधान में 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाली वीरांगना उदा देवी पासी जी का शहीद दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांति में वीरांगना उदा देवी पासी ने सिकंदरबाग लखनऊ में सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। 36 अंग्रेजों को पुरुष भेष में पेड़ पर चढ़कर मारा था। हजरत महल में मोर्चा के समय भी बहुत सारे अंग्रेजों को मारा था। वीरांगना उदा देवी की बहादुरी को देखकर अंग्रेज मेजर कंप वेल ने अपनी टोपी निकालकर सलामी दागी थी। डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज ने विधानसभा सोहराव विधानसभा के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के 60% से 80% अंक पाने वाले छात्र व छात्राओं को प्रमाण पत्र व अंग वस्त्र देकर इस दौरान सम्मानित किया। बीए बीएससी बीकॉम के छात्र व छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। महिला ग्राम प्रधान व समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। अति विशिष्ट अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रामलखन पटेल, जवाहरलाल पटेल, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश श्रीमती रेखा पटेल, मंत्री बीज प्रमाणीकरण मानसिंह पासी, दिनेश पासी, नागेंद्र कुमार पटेल, जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार केशरवानी, जिला सचिव अपना दल एवं भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य सैदाबाद वार्ड नंबर 1 आदि लोग मौजूद रहे। लोकगीत गायक रमेश पासी एवं भवरा ग्रुप भदोही गीत के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया। आयोजक PS3 पासी समाज सेवा समिति का आए हुए लोगों ने भरपूर प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज। आज सोहराव की धरती पर वीरांगना उदा देवी पासी जी का शहीद दिवस मनाया जा रहा है और अपना दल यस के तत्वाधान में साथ ही साथ पासी समाज सेवा समिति के तत्वाधान में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिसमें अपना दल यस के तमाम राष्ट्रीय प्रदेश और जिले के पदाधिकारी मौजूद हैं। हमारे दो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी मौजूद हैं, श्रीमती रेखा पटेल जी और श्री रामलखन पटेल जी। क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और सामाजिक कार्यक्रम है, तो आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और समाज को संदेश दे रहे हैं कि जिस तरीके से वीरांगना उदा देवी पासी जी ने 36 अंग्रेजों को मार गिराया था, बिल्कुल निर्भीकता से वो लड़ रही थी अन्याय के खिलाफ, इसी तरीके से जो है हमारी पार्टी के नेता हमारी मुखिया बहन अनुप्रिया पटेल जी निर्भीकता से अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाने का काम कर रही हैं। उनकी प्रेरणा से हम लोग पूरे प्रदेश में वीरांगना उदा देवी पासी का बलिदान दिवस मना रहे हैं और हमारी मांग है कि वीरांगना उदा देवी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया जाए और जहाँ पर उनकी शहादत हुई थी उसको जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और साथ ही साथ वीरांगना उदा देवी की वीर गाथा को प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया जाए। ये मीडिया लोगों ऐसा मानना है कि मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है, देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो सच्चाई को समाज के पटल पर रखने का काम करते हैं। इसलिए मीडिया वालों का सम्मान मुझे लगता है सबको करना है। इसी कड़ी में हमारे नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी भी बार बार कहते हैं कि आप लोग मीडिया फ्रेंडली बनिए, क्योंकि मीडिया के लोग ही हैं जो सच्चाई को सामने रखने का काम करते हैं। कहीं भी अन्याय अत्याचार शोषण होता है तो उसकी आवाज़ को मीडिया के लोग भी बुलंद करने का काम करते हैं, इसलिए मीडिया के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करना। मेरा नाम डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज, प्रदेश अध्यक्ष अपना दल एवं विधायक सोहराव प्रयाग। आज सोहराव शहीदी पर वीरांगना उदा देवी पासी का शहीद दिवस मनाया जा रहा है और अपना दल यस के तत्वाधान में साथ ही साथ पासी समाज सेवा समिति के तत्वाधान में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इसमें अपना दल यस के तमाम राष्ट्रीय प्रदेश और जिले के पदाधिकारी मौजूद हैं। हमारे दो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी मौजूद हैं, रेखा और क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। जो बच्चियां हैं वो किस तरह से ये वीरांगना उदा देवी से किस तरह से प्रेरित होके आगे क्या करें? वो आपने देखा जिस प्रकार उनके गाथा को बता रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जी की, वो पेड़ पे
चढ़कर 36 जो मुख्य द्वार था उसको 36 अंग्रेजों को गोली मारने का काम किया और अपने सैनिकों को बचाने का काम किया। उसी प्रकार हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको भी उनसे प्रेरित होकर जम के समाज की जो कुरीतियां हैं उनका विरोध करना चाहिए और अपने लिए लड़ना चाहिए। हमारे लिए है कि जब तक महिला खुद के लिए स्टैंड नहीं होगी, खुद की लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेगी, तब तक ये प्रेरणा हमें हमारी वीरांगना माता उदादेवी पासी जी से लेना चाहिए। जी जी, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसी व्यवस्था की कि जो इस साल जो पास आउट हैं हमारे बच्चियां उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। कुछ वस्त्रों का भी विधायक जी ने इंतजाम किया है। हम बच्चियों को प्रेरित करने के लिए, शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए उनको समय समय पर उनके लिए प्रमाण पत्र देंगे और वस्त्र दान करेंगे। तो समय समय पर हम इसी तरह बच्चियों को सम्मानित करके उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जी, धन्यवाद।